आए दिल्ली होमगार्ड जो निकाले गए हैं उसकी वापसी के लिए सारे लोग, बिना शर्त वापसी होनी चाहिए। क्यों निकाला गया, क्या कारण था निकालने का? हमें कोई कारण नहीं बताया गया, हमें सिर्फ निकाल दिया गया है। जब आपको निकाला गया था आपको नोटिस वगैरह दिया? नोटिस नहीं दिया था, नोटिस कोई नोटिस नहीं दिया था, निकाल दिया था कि हमें ड्यूटी, अगले दिन हमें मैसेज दे दिया कि हम आपको ड्यूटी नहीं आना। नोटिस के ही इनको निकाल दिया गया और ना ही इनकी किसी अफसर ने बात सुनी। आइए और जानकारी लेते हैं। मैडम आपका नाम? मेरा नाम किरण गुप्ता है, मैं भोजपुर होमगार्ड हूँ। और हम लोगों ने जब पूछा गया कि क्यों निकाला गया है हमें, तो कहा कि ये 3 साल के लिए नौकरी होती है। यदि ये 3 साल के लिए नौकरी होती है, 3 साल का एक्ट है, तो 15 साल 20 साल लोगों ने नौकरी भी की है, वो किस बेस पे की है उन्होंने, तो ये हम जानना चाहते हैं कि जब 15 साल 20 साल नौकरी करी है तो हमें 3 साल के बाद क्यों निकाल दिया गया? यदि 3 साल का कानून था तो उनसे 20 साल नौकरी क्यों ली गई? यानी कि पैसों के दम पे, यानी कि जिसके पास पैसा है उसने 20 साल नौकरी करी, 15 साल नौकरी करी, हम लोगों ने पैसा नहीं दिया, हमें 3 साल के बाद निकाल दिया गया। समय सीमा पहले 3 साल की है, फिर 2 साल बढ़ा दिए, फिर उसके हमारे बाद के बैच के बढ़ते ही जा रहे हैं, हमें वापसी नहीं ले रहे हैं। अब हमारे बच्चे परेशान हैं, मेरे आदमी नहीं है, तो हमें तो नौकरी का जरिया कुछ तो, इस उम्र में हमें कहीं सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी नहीं मिलती। जब वो जो उम्र थी, जो काम की उम्र थी, वो तो हमने होमगार्ड को दे दी, अब उसके बाद में अब हम कहाँ जाएं? जो उम्र थी वो हमने होमगार्ड को दे दिया, हमें कोई सिक्योरिटी में भी नहीं रख सकता है, तो ये बड़ी विडंबना है कि पहले काम लिया जाता है फिर इनको बिगर नोटिस के निकाल दिया जाता है।